खुश मसीह की परमेश्वर हरि को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा, आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। एक कुरुंथियों अध्याय 6 वचन 12 से, एक कुरुंथियों अध्याय 6 वचन 12 से, आइए वचन को देखते हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पौलुस है वो बता रहा है, कह रहा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को रचा है, सारी वस्तुओं को बनाया है, इसलिए वचन कहती है सारी वस्तुएं हमारे लिए उचित तो है। सारी वस्तुएं, क्योंकि सारी वस्तुओं का निर्माण हमारे लिए ही हुआ है। वचन कह रही है सारी चीजों का निर्माण हमारे लिए ही हुआ है, इसलिए सारी चीजें हमारे लिए उचित है, परंतु सारी वस्तुएं लाभ की नहीं है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए सारी वस्तुएं बनाया है, वे सारी चीजें हमारे लिए बनाया है, परंतु सारी चीजें हमारे लाभ की नहीं है। वचन कहती है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, क्योंकि सारी चीज का निर्माण हमारे लिए ही हुआ है, इसलिए वचन कहती है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूंगा। कहता है मेरे भाइयों, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, लेकिन सारी वस्तुएं हमारे लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, हमारे लिए ही बनाई, ना कि किसी और के लिए परमेश्वर ने बनाई। परंतु लेकिन वो कहता है कि मैं किसी बात के अधीन नहीं हूंगा, मैं किसी वस्तु के अधीन नहीं हूंगा। कहता है मेरे भाइयों, देखो भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। कहता है देखो कि भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है। हे मेरे भाइयों, वचन कह रही है कि देखो भोजन जो बनता है वह पेट के लिए बनता है, और पेट जो बनाया गया है वह भोजन के लिए ही बनाया गया है। परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में जो पेट को बनाया है वह भोजन के लिए ही बनाया है, और जो भोजन को परमेश्वर ने बनाया वह पेट के लिए बनाया है। लेकिन रह गई बात, दोनों को परमेश्वर ने बनाया है, पेट को भी परमेश्वर ने और भोजन को भी परमेश्वर ने बनाया, लेकिन यह वचन कहती है परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परमेश्वर भोजन को भी नष्ट कर देगा और पेट को भी नष्ट कर देगा। इन दोनों में से एक भी चीजें हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। वचन कहती है कि वह भी नष्ट हो जाएगा, वह भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो कहता है कि ये जो भी चीजें संसार में बनाई गई, सारी चीजें हमारे लिए उचित है, लेकिन सारी चीजें हमारे लाभ के लिए नहीं है। संसार में जो भी चीजों का निर्माण परमेश्वर ने किया सब हमारे लिए है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकती, हमें स्वर्ग नहीं दे सकती।
इसीलिए के वचन कहती है कि वह उचित है, सारी चीजें उचित है, परंतु मैं किसी के अधीन नहीं होऊंगा। अगर मैं इस संसार के किसी वस्तुओं के अधीन हो जाऊं तो वह वस्तु हमें अनंत काल का जीवन नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि संसार और संसार की सारी वस्तुएं नष्ट होने वाली है। इसीलिए वचन कहता है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए बना है, लेकिन परमेश्वर इसको भी और उसको भी, दोनों को नष्ट कर देगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हे मेरे प्यारे भाई बनो, ये जो परमेश्वर ने देह दिया है, कहता है जो तुम्हें देह दिया है, यह देह व्यभिचार के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने जो तुम्हें देह दिया है, यह देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु की महिमा के लिए दिया है। यह देह जो बनाया गया है, यह देह व्यभिचार के काम करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बनो, यहां वचन में लिखा गया है ये प्रभु के लिए, ये देह जो बनाई गई है वो प्रभु के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, और वह परमेश्वर इस देह के लिए बनाया गया है। कहता है कि परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। क्योंकि वह परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया तो वह अपनी महिमा के लिए बनाया है, और वह जो हमेशा हमेशा जो निर्धारित रहता, हमेशा जो अटल रहता है, वह हमारे लिए रहता है। वह जो कुछ बात करता है वह हमारे लिए बात करता है, और हमें उसने अपने लिए और अपने को जो स्थापित किया है वह हमारे लिए किया है। क्योंकि आज के 2000 साल पहले जब वह संसार में आया मनुष्य बनकर, और वह बलिदान हुआ, बलिदान होने के बाद उसने वह गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये किसके लिए? हमारे लिए। वो हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे लिए उद्धार के लिए, उद्धार करने के लिए वह मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। इसीलिए वचन कहती है कि वरन जो हमारी देह है ये प्रभु के लिए है और प्रभु हमारे देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया अंत के समय में, यानी जब यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिया, उसमें जब वह गाड़ा गया तो परमेश्वर ने अपनी भारी सामर्थ्य से मसीह को जिंदा कर दिया, भारी सामर्थ्य से यीशु को जिंदा कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार वह परमेश्वर हमें भी जिलाएगा। जैसे उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को जिलाया, वैसे हमें भी जिलाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप अनंत काल का जीविता बनना चाहते हो तो आप संसार के किसी वस्तुओं के अधीन मत हो जाओ। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो धन संपत्ति के अधीन हो जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं इस संसार की कोई ऐसी चीज है जिसके अधीन होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मनुष्य के अधीन हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई आपको स्वर्ग तक नहीं ले जाएगा, कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता, सिर्फ सिर्फ उद्धार कर सकता है वो परमेश्वर। इसलिए आप परमेश्वर की अधीनता में हो जाइए, आप परमेश्वर की सुनिए और परमेश्वर की मानिए, क्योंकि वही है जो आपको उद्धार दे सकता है, अन्यथा कोई मनुष्य आपको उद्धार नहीं दे सकता। परमेश्वर ने तो सारी चीजें हमारे लाभ के लिए बनाई है, हमारे इस शरीर के लिए बनाई है, परंतु हमारे जीवन के, आत्मिक जीवन के लाभ के लिए नहीं है, इस शरीर की जरूरत के लिए बनाई है। इसलिए आप इस संसार के नहीं परंतु परमेश्वर के पीछे दौड़िए। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि वह प्रभु आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता इस मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं हे परमेश्वर, इनके द्वारा जितने गुनाह जितने अपराध हुए प्रभु, हर गुनाह हर अपराधों को क्षमा करके इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि को डाल मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर अपराध के कारण जो हानियां इनके जीवन में, और सब कुछ मिट जाए।
मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता इनके द्वारा जितने पाप हैं उन सारे पापों को मिटा मेरे प्रभु, और हम प्रार्थना करते पिता अनुग्रह करने वाले प्रभु इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता आज इनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जितनी हानियां उन सारी हानियां को मिटा। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, कोई दुख कोई तकलीफ कोई विपत्ति ना होने पाए, हर दुख हर तकलीफ हर विपत्तियों से इन्हें बचा मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता ये सुबह की प्रार्थना इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार उत्पन्न करे। जितने लोग विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहे हाँ मेरे प्रभु आज उनके जीवन में अपने अथाह सागर की आशीष आने दे, ताकि वे आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर इनमें से जितने बीमार लोग हैं प्रभु आज उन्हें छू कर चंगा होने दे। रिखाबा संदाला रबा से लेरे बासा खाला बसुंदो सबरबा। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता जितने बीमार हैं प्रभु आज उनकी बीमारियां चली जाए, चाहे जो बीमारी इनके शरीर के अंदर है हर बीमारी को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से बाहर हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने स्वर्ग को खोल और महिमा की आशीष इनके जीवन में आने दे। ओ राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हरेक के भीतर आने पाए। ओ पवित्र आत्मा हरेक को सुले। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर आकाश के झरोखे से हर एक के ऊपर महिमा की आशीष बरसा, ताकि जो दर्द से पीड़ित है उसके दर्द चले जाए, जो जलन से पीड़ित है उसकी जलन खत्म हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जिसकी हड्डी हड्डी में प्रॉब्लम निकल जाए, मांसपेशियों में तकलीफ हो मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है छुटकारा पाए, जिसके मस्तक में तकलीफ हो मस्तक की तकलीफें निकल जाए, कान में हो कान की तकलीफें निकल जाए, आंख में आंख की तकलीफें, दांत में दांत की तकलीफें निकल जाए, सीने में सीने की तकलीफें, पेट में पेट की तकलीफें निकल जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले हैं परमेश्वर इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे प्रभु, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। परमेश्वर जितने एग्जाम देने वाले लोग हैं प्रभु उन्हें ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे, ताकि एग्जाम के वक्त तेरे स्वर्गदूत जाकर इनकी मदद इनकी सहायता करे, इनके ज्ञान इंद्रियों को बढ़ाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर इनके ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाए, ताकि जितने एग्जाम में प्रश्न इनके सामने आए हर प्रश्नों का उत्तर इनके माइंड में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर भारी से भारी चमत्कार इनके ऊपर होने दे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष भर दे। हे परमेश्वर जितने भी लोग हे परमेश्वर पढ़ाई करते हैं, जितने नौकरी के तलाश में, उनके नौकरी के ऊपर आशीष दे, ताकि उनकी नौकरी उन्हें मिलने पाए। हे परमेश्वर जितने धंधा बिजनेस व्यापार वाले उनके धंधा बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जो रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में नौकरी देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई भी पति तुष्पन्न पड़ेगी ना ही कोई दुख तेरे डेरे के इकट्ठा आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जावे तेरी रक्षा कर। महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे, स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, शरीर में जितने भी दुख दर्द पीड़ाएं जितनी परेशानियां प्रभु यीशु तेरे नाम में नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने अपने जीवन में निराश उदास है प्रभु उनकी निराशा उनकी उदासी खत्म हो जाए। जिसके पास कोई संतान नहीं प्रभु हे परमेश्वर उसको संतान देकर आशीष दे, जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर उनके गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। री मान दबा सबा रबा सिंधे सखा रबा सिंधे ले रे बा पापा संदूलू। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपनी महिमा की आशीष से हरि को भर दे, क्योंकि प्रभु हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जिनके पास घर नहीं प्रभु उन्हें घर देकर आशीष दे, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पारिवारिक जितने कलेश है वो सब कुछ दूर हो जाए, उपद्रव बिल्कुल समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा हे परमेश्वर जो इनके हे परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा इनके जीवन में बनी है हर एक के जीवन से वो गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा निकलने पाए। रिंग आबा सबारा बा सिंदूलू रे बा सा खला बा सुंदू सबारा। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना के सुन रहे हैं आज आज हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष दे। हे परमेश्वर पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे, इस देश के अंदर जितने राज्य हर राज्यों के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर इस उत्तर प्रदेश के ऊपर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हर जिले के ऊपर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर पूरा जिला और पूरा राज्य हे परमेश्वर पूरा देश तेरी आशीष से भर जाए। हम प्रार्थना करते इस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हे परमेश्वर राष्ट्रपति राज्यपाल और गृह मंत्री
मंत्री है परमेश्वर हरि के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस देश को चलाने वाले प्रभु हरि के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि विवेक से भर दे मेरे प्रभु, ताकि उनकी ज्ञान इंद्रियां है परमेश्वर बदल नहीं पाए। हाँ मेरे प्रभु, वो बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं शैतान के राज्य से बचने पाए है परमेश्वर, शैतान के चंगुल से वह बाहर निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता इस देश के चलाने वाले शासन प्रशासन के जितने भी लोग हरि के बुद्धि विचार को बदल, ताकि वो बुराई को त्याग भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।